हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भाई अगर आप लोग मास गेनर यूज करें तो एज अ बिगनर आपको कितना मास गेनर डेली का लेना चाहिए, एज अ इंटरमीडिएट आपको कितना लेना चाहिए और एज अ एडवांस आपको कितने स्कूप गेनर का डेली लेना चाहिए। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा कि मैंने कितने कितने ग्राम गेनर लिया था और अगर आप लोग बिगनर हैं या इंटरमीडिएट हैं या एडवांस है तो उसके हिसाब से आपको कितना ग्राम गेनर डेली लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है फास्ट एंड अप का मास गेनर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसी के थ्रू आज मैं आपको कि आपको कितने ग्राम डेली मास गेनर कंज्यूम करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। एज अ एक पहला हो गया बिगनर, दूसरा आता है आपका इंटरमीडिएट जिसको लगभग 7-8 महीने या 1 साल हो गया जिम करते हो या वर्कआउट करते हो, फिर तीसरा आता है आपका 1-1.5 साल से ऊपर हो गया या 2 साल के आसपास हो गया, तो उसको कितने ग्राम लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, जैसे आप कोई भी नया प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट आप यूज करने जा रहे हैं अपनी बॉडी पर, तो सबसे पहली चीज आप उस प्रोडक्ट के लिए बिगनर होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी नई चीज यूज करें तो आप उसके लिए बिगनर होते हैं, चाहे आप कितने भी पुराने हो, कितने भी समय से जिम कर रहे हो, कितने भी समय से आप वर्कआउट कर रहे हो, आप उस चीज के लिए बिगनर होते हैं, उस चीज के लिए नए होते हैं। जैसे आप कोई घर पे नई गाड़ी खरीद करके लाते हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है लेकिन उस गाड़ी के लिए आप नए हैं, उस गाड़ी के लिए आप एक बिगनर है। आपको उसके फीचर चीजें समझने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, भले ही 3-4 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद आप पुराने हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए आप एक बिगनर हैं। तो ऐसे कोई भी कंपनी का आप गेनर लेते हैं, कोई भी कंपनी का सप्लीमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहां पे आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि आप बिगनर हैं, आपको सबसे पहले उस चीज को ट्राई करना है। ट्राई कैसे करा जाता है? ट्राई करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये गेनर है, जैसे यहाँ पे इनकी सर्विंग दिखाई जाती है कि भाई आपको डेली की 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम की सर्विंग या 350 ग्राम की आपको सर्विंग लेनी होती है, वो गेनर पर मेंशन होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी जो आपका स्कूप है गेनर का, यहाँ पे आपका ये कह सकते हैं लगभग 45 से 50 ग्राम का आपका स्कूप है, और अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मेंशन भी है, यहाँ लिखा है 85 ml का यहाँ पे स्कूप है, यहाँ पे मेंशन है 85 ml, तो लगभग कह सकते हैं इतना ही हुआ, 40-45 या 50 ग्राम के आसपास हुआ। तो अब जैसे ये रहता है, और यहाँ पे अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें इसको स्टार्ट कैसे करना होगा लेने के लिए। हमें इसको स्टार्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी नई चीज लेते हैं तो वहां पे हम उसको थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करते हैं, तो वहां पे हमें इस गेनर के साथ भी यही करना है, हमें ये गेनर लेना है। अब देखिए, टेस्ट करने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि आपने बहुत चुटकी भर लिया कि भाई आपने बहुत थोड़ा बहुत लिया। अब लेने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इतना स्कूप भर के आपने हीपिंग स्कूप भी नहीं लेना, ये स्कूप पैरेलल पूरा करके, पूरा फ्लैट करके स्कूप आपने लगभग 300 से 400 ml पानी में इसको मिक्स करके लेना है। अब पानी कितना होगा समझिए, ये मेरे पास आधा लीटर का शेकर है, 500 ml का शेकर है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको आधा शेकर भर के, आधे से थोड़ा सा ऊपर शेकर भर के यहाँ पे मैं इतना पानी लूंगा और उसके अंदर मैं इस गेनर को मिक्स करूंगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद मैं उसको जैसे नॉर्मल पीते हैं कभी अपने ब्रेकफास्ट में, कभी अपने शाम के खाने के बाद, या कभी अपने वर्कआउट के बाद इसको कंज्यूम करूंगा दो बनाना के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको तो मैं लगभग 3-4 दिन ऐसे ही कंज्यूम करूंगा, एक जो मैंने अभी आपको सर्विंग दिखाई, मैं 3-4 दिन इसको ऐसे ही कंज्यूम करूंगा, मतलब इसकी मैं मतलब हैवी डोज पे नहीं जाऊंगा। पहले मैं देखूंगा भाई मेरी बॉडी पर कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, लगभग मैं 3-4 दिन ऑब्जर्व करूंगा, अगर मेरी बॉडी में कोई एक्ने, कोई रैशेज या कोई इचिंग या कोई ऐसे स्टमक एक या जैसे कुछ इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुरंत इसको रोक दूंगा। ऐसी सेम चीज आपको भी करना है, ये चीज मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर आपको कुछ हो तो आप एक बार नोटिस करें, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि भाई आपने इस बीच में कुछ अनसन चीजें ना खाई हो, कहीं बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह खा लियो, कहीं उसके वजह से पेट ना खराब हो गया और आप क्रेडिट देने लग गए मास गेनर को, भैया मास गेनर खाने की वजह से हमारा पेट खराब हो गया, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी FSSAI अप्रूव वगैरह होते हैं, बहुत सारे टेस्ट पास करके आप लोगों के पास तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो एज अ बिगनर आपने यही चीज करनी है, और चाहे आप इंटरमीडिएट हो जाए चाहे एडवांस हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको चीजें समझाई, तो आपने स्टार्टिंग में इतना लेना है। फिर जब आप पुराने हो जाए, मतलब थोड़ा आपको यूज टू हो जाए इसको लेते हुए, 1-1.5 हफ्ता हो गया कि भाई चलो 3-4 दिन हो गए कि भाई आपको नुकसान नहीं पहुंच रहा, फिर आपने इसकी डोज बढ़ा देनी है। अब आपने कितना लेना होगा, अब आपने लेना होगा यहां पे 55 अब आपने गेनर भर के लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हीपिंग स्कूप, यहाँ पे आपका 55 से 60 ग्राम के आसपास आप मान के चले आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक सर्विंग में आपको 55 से 60 ग्राम के आसपास मिल जाएगा, और ऐसे आपने 2 हीपिंग स्कूप आपने कंज्यूम करना होगा डेली का, मतलब ऐसे 2 स्कूप भर करके। जैसे आपको टाइम हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको यूज करते हुए 1 हफ्ता हो जाए कंप्लीटली, 3 या 3-4 दिन जितना भी मैंने अभी मैंने आपको बताया, बॉडी पे कोई नुकसान नहीं हो, तो इस तरह से आप 2 स्कूप भर करके लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको गेनर के पीछे देखना होगा कि भाई आपको पर सर्विंग में कितना मिला। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ फास्ट एंड अप वाले में, तो यहाँ पे इसकी सर्विंग साइज दिखाई गई है पीछे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 334 ग्राम, यानी 7 स्कूप आपका 3 kg के बॉक्स में आपको मिलेगा, और
और आपको एक बार में 350 ग्राम लेना है, और कितने में लेना होगा, 1 लीटर पानी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 1 लीटर पानी में, यानी समझिए ये बड़ी बॉटल मिक्स करके हमें एक बार में अपनी मील को हटा करके ये गेनर पी लेना है, और इसमें हमें लगभग मिल जाएगी कैलोरीज, लगभग मिलेगी, यहाँ पे दिखा रहा है ये है हमें 1650 या 1700 कैलोरीज हमें इसमें मिल जाएगी, यानी 350 ग्राम में हमें 1750 कैलोरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही हैवी मील हो जाएगी, मतलब भयानक हैवी वाली मील, जिसको कहते हैं ना आपने एक बार में 3 या 4 आलू के पराठे खा लिए उसके बराबर आपको इसमें कैलोरीज मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 3 आलू के पराठे के बराबर आपको इसमें कैलोरीज मिलेगी, और यहाँ पे आपको प्रोटीन मिलेगा 88 ग्राम, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 5.1 ग्राम आपका मेटाबॉलिक कंट्रोल ब्लेंड आपको मिलेगा, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा स्लो ना हो जाए, आपकी पाचन शक्ति धीमे ना हो जाए तो वो भी ऐसा हो जाएगा। अब वो तो गेनर टू गेनर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एलिफेंट का मास गेनर है, उसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको 2 हीपिंग स्कूप में आपको यहाँ पे 100 ग्राम की सर्विंग मिलती है, जिसमें आपको मिलता है 358 कैलोरीज। अब अगर राउंड ऑफ कराया जाए, दोनों की तुलना करी जाए, तो दोनों की तुलना में लगभग वही चीज बैठती है, आपको सेम क्वांटिटी में सेम अमाउंट में मिलता है, बस यहाँ पे इसकी सर्विंग साइज बढ़ा दी गई है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड कर दी गई है, बाकी सेम चीज है। इसका भी अगर आपने 350 ग्राम लिया तो यहाँ पे भी कहीं आपको 1450 कैलोरीज मिलेगी, प्रोटीन भी आपका लगभग कहीं 75 to 80 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब सेम ही चीज है। तो यहाँ पे मेन चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया आपकी जो डोज है वो धीमे धीमे बढ़ती रहेगी, और तरीके से आपको लेना होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस तरह से आपको लेना होगा, चाहे आप बिगनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस हो। सबसे बड़ी बात ये आती है भाई, जैसे कहते हैं ना गेनर भाई, जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मेरे को 3 साल हो गए एक्सरसाइज करते हैं, मेरे को कितनी सर्विंग लेनी चाहिए, यही चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग जिम शुरू कर रहे हैं, कोई भी नई चीज आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए बिगनर ही है, मतलब एकदम फ्रेश चीज है, आप उस चीज के लिए बिगनर है, तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके लेना होगा, ये चीज देखना होगा जो मैंने आपको बताया, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। और बाकी सबसे बढ़िया समय रहता है मास गेनर लेने का, वो है आपका पोस्ट वर्कआउट में। पोस्ट वर्कआउट में या तो आप जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि गेनर टू गेनर वेरी करता है, या तो आप 1/2 लीटर पानी भर के, मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ये शेकर जितना, 1/2 शेकर से ऊपर पानी भर के, अगर आपके पास शेकर ही नहीं तो 400 ml पानी भर करके अपने ग्लास में आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, वैसे तो शेकर हर किसी के पास होगा, तो यहाँ पे समझिए 1/2 शेकर भर करके और साथ में आपने 2 स्कूप अपना जो मास गेनर है उसको मिक्स करके पी लेना है, और अदरवाइज नहीं तो आप स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टार्टिंग में आपने 1 स्कूप में मिक्स करके पीना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, इसको हर कोई आराम से ले सकते हैं। और बाकी देखिए, फिर से मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, गेनर तभी काम करेगा जब आप अपनी डाइट अच्छे से लेंगे, तो अदरवाइज आप इस तरह से जैसे इसमें आपकी सर्विंग लिखी है, जैसे आप इसमें लिखा है कि भाई आपको 350 ग्राम कंज्यूम करना है, तो 350 ग्राम के हिसाब से आप कंज्यूम करेंगे, तो यहां पे आप बिना किसी स्पेशल डाइट के भी, घर की डाइट खा करके भी अपना वेट गेन कर सके। ठीक है, या तो आप गेनर को एक्सीड कर दे, गेनर की जो क्वांटिटी वो एक्सीड कर दे, जैसे इस पे मेंशन है कि 334 ग्राम डेली आपको लेना है 1 लीटर पानी मिक्स करके, तो या तो आप इस हिसाब से ले, या तो फिर आप गेनर को थोड़ा थोड़ा लें, थोड़ी कैलोरीज आप गेनर से लें, थोड़ी कैलोरीज अपनी डाइट से लें, तब आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपकी दोस्तों कंप्लीट वीडियो कि भाई एज अ बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस आप लोग गेनर को किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो, और ये भी मैंने आपको तरीका ही बता दिया कि भाई आपको गेनर को किस तरह से कंज्यूम करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।